जहानाबाद के गोरक्षिणी स्थित देवी मंदिर से चुराया गया 9 मुकुट हुआ बरामद। पकड़ी गई शातिर महिला चोर, 4 बजे सुबह में उसने उड़ाए थे मुकुट, सट्टी मोड़ पर बेचने के क्रम में पकड़ी गई महिला। जहानाबाद के अरवल मोड़ पर नव निर्माण मंच द्वारा सभा का किया गया आयोजन। वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा, पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने सभा को किया संबोधित। कहा, जनता का विश्वास खो चुकी है नीतीश कुमार की सरकार। 3 मार्च को होगा पटना के गांधी मैदान में नए विकल्प का ऐलान। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुटने की अपील। बचपन प्ले स्कूल का बतौर फ्रेंचाइजी जहानाबाद के पूर्वी गांधी मैदान में हुआ शुभारंभ। एसपी हरप्रीत कौर ने किया फीता काटकर उद्घाटन। कहा, यूरोपियन पद्धति से हो रहा है प्रतीत। बिहार राज्य रसोईया कर्मचारी संघ गोपगुड़ जिला शाखा जहानाबाद की हुई बैठक। रसोईया को बेवजह हटाने, मानदेय भुगतान में मनमानी पर रोक लगाने की कर रहे थे मांग। और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष शशि रंजन ने 78 कार्यकारिणी सदस्यों के नामों की घोषणा। जहानाबाद के अरवल मोड़ पर बिहार नवनिर्माण मंच द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता और प्रदेश संयोजक उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा, पूर्व सांसद एवं अभियान समिति के प्रदेश संयोजक अरुण कुमार ने सभा को संबोधित किया और कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में शिक्षा का स्तर गिरा है। लोगों ने जो इस सरकार पर विश्वास जताया था, अब अफसोस कर रहे हैं। जनता विकल्प ढूंढ रही है। साथ ही साथ अरुण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार ने राजद का बी टीम खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से जनता बिल्कुल उब चुकी है। भ्रष्टाचार चरम पर है, इसलिए एक विकल्प के रूप में हम आ रहे हैं और 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में नई पार्टी की घोषणा होगी। जनता को एक नया विकल्प मिलेगा। सभा को संबोधित करते हुए नव निर्माण मंच के जिलाध्यक्ष मोहम्मद फिरोज राइन ने 3 मार्च को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों से चलने की अपील की। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। देखिए, नीतीश कुमार को हम लोगों ने सत्ता में बैठाने का काम किया और जब यह महसूस कर लिया कि 22 एक्सपर्ट भ्रष्ट IAS अफसर को, IPS अफसर को दूसरे कैडर से लाए, और जब यह महसूस कर लिया कि राष्ट्रीय जनता दल का इन्होंने बी टीम बना दिया, बल्कि संपूर्ण राष्ट्रीय जनता दल के एक्सपर्ट लोगों को यहाँ ला करके और भ्रष्ट अफसरों को ला करके जब बिहार को लुटवाना शुरू किया, तो हम लोगों ने यह मन बनाया कि अब ये आदमी इस पाप से मुक्त नहीं हो सकता। तो इस पाप की गठरी को हम लोग क्यों ढोएं? पाप की गठरी को फेंक करके एक नया विकल्प देने के लिए बिहार की जनता को मन बनाया है। 3 मार्च को लोग पटना में जुटे और एक लोकतांत्रिक जमात जो बिहार का नया परिदृश्य तय करे और बिहार अपने पुरखों के सपनों को पूरा कर सके। विकास का रास्ता तय होता है कृषि रोड मैप बनाने से नहीं। कृषि रोड मैप ही अपने आप में पूर्ण प्रमाण है कि विकास नहीं है। जिस राज्य में 7 वर्षों में 14 लाख हेक्टेयर से सिंचाई का प्रबंधन घट करके 9 लाख पहुंच गया, किस मुंह से सरकार कहती है कि विकास करेंगे? गांव के विकास के बिना विकास नहीं संभव है। विकास यदि होता तो महाराष्ट्र का प्रति व्यक्ति सालाना आय 85,000 रुपया है और बिहार का प्रति व्यक्ति सालाना आय 13,000 रुपया है। सरकार को शर्म करना चाहिए इस पर कि बिहार कंगाली में अंतिम स्थान पर खड़ा है। मणिपुर का सालाना प्रति व्यक्ति आय 22,000 रुपया है और बिहार का प्रति व्यक्ति सालाना आय 13,000 रुपया है। 7 वर्षों में सरकार की उपलब्धि यही रही है कि GDP बढ़ा है और आम आदमी गरीब हुआ है। आज बिहार की जनता काफ़ी परेशानी में है। नीतीश कुमार जी के ऊपर जो भरोसा था लोगों का, उन्होंने पूर्णतः भरोसा को तोड़ दिया है। इनके शासनकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा है, गरीबों की परेशानी बढ़ी है, शिक्षा का स्तर रोज गिरता जा रहा है, अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है। जिन समस्याओं के निराकरण के लिए नीतीश जी के ऊपर बिहार के लोगों ने जवाबदेही दी थी, उन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में बिहार के लोग फिर से एक बार निराश हैं और इन्हीं कारणों से नए विकल्प की तलाश में हैं। पहले से भी जो राजनीतिक दल विकल्प होने का दावा करता रहा है, उनके ऊपर भी बिहार की जनता का भरोसा नहीं रहा। ऐसी स्थिति में लोग चाहते हैं नया विकल्प मिले। हम लोगों का प्रयास है कि नया विकल्प लोगों को दें।
जहानाबाद पूर्वी गांधी मैदान में राष्ट्रीय स्तर का विद्यालय बचपन प्ले स्कूल का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर विद्यालय के संचालक अरुण प्रवाल ने बुके देकर मुख्य अतिथि हरप्रीत कौर को सम्मानित किया। प्ले स्कूल का मुख्य आकर्षण एक्टिविटी रूम में एसपी ने दीप प्रज्वलित कर क्लासरूम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एसपी हरप्रीत कौर काफी उत्साहित एवं आश्चर्यचकित थी। उन्होंने कहा कि यह तो यूरोपियन पद्धति सा प्रतीत हो रहा है, यह जहानाबाद के लिए अजूबा है एवं इस विद्यालय के द्वारा निश्चित ही जहानाबाद के अभिभावक गौरवान्वित महसूस करेंगे, साथ ही बच्चे लाभान्वित होंगे। भारी संख्या में पधारे अभिभावकों एवं अतिथियों को सलाह दी कि यहां नामांकन कराएं और फायदा उठाएं। संचालक अरुण प्रवाल ने कहा कि प्रायः लोग कहते हैं कि पटना और गया के बीच एक छोटी सी जगह जहानाबाद है। मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इस छोटी सी जगह को बड़ा कैसे बनाएंगे और इसे कौन करेगा। मैंने एक लघु प्रयास किया है और उम्मीद है बचपन प्ले स्कूल के माध्यम से जहानाबाद के बच्चों को उत्कृष्ट बनाने का जो सोच पाल रखा है उसमें सफल रहेंगे। आप सबों का आशीर्वाद एवं स्नेह चाहिए। मौके पर उपस्थित मानस विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर नवल किशोर ने बताया कि जीवन भर की नींव है बचपन वाले वर्ष, इसे संवारा तो हुआ जीवन का उत्कर्ष। उन्होंने कहा कि वाकई हम जहानाबाद वासियों को संचालक अरुण कुमार की कोशिशों को धन्यवाद देना चाहिए जो इस नायाब तोहफे को छोटे बच्चों हेतु प्रदान किया है। एसके एजुकेशन बचपन प्ले के दिल्ली से पधारे ट्रेनर गौतम गोस्वामी व अजय पाल ने 1995 से प्रारंभ हुए बचपन की पूरी जानकारी तफसील से प्रदान की। ये स्कूल खोलने का जो खास वजह है, हमारे अंदर जो एक बात है कि जैसे अगर कोई पूछता है आप कहाँ का रहने वाले हैं, तो बहुत सारे लोगों के मुंह से हमने ये सुना है मैं पटना और गया के बीच में एक छोटी सी जगह है जहानाबाद, वहाँ का रहने वाला हूँ। और ये छोटी सी जगह बहुत चुभता है, ये छोटी सी जगह को बड़ा करने का काम कौन करेगा? क्या इसको बड़ा करने की जवाबदेही हमारी नहीं है, जिम्मेवारी हमारी नहीं है? और अगर हमारी नहीं है तो किसकी है? क्या सरकार की है या किसी और की है? और अगर हमारी है तो मैं तो समझता हूँ कि हमारी है, और उसके लिए उस में हमने एक छोटा सा पहल करने की कोशिश की है। सारे गार्जियंस मौजूद हैं, सबको मैं सबसे पहले तो थैंक्स बोलना चाहूँगा, इतने सारे लोगों ने मुझे सराहा, इतने सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। एसपी महोदय आई और उन्होंने भी कहा कि हाँ जहानाबाद में इस तरह की चीज़ होनी चाहिए थी, और वो रिटर्न में भी लिख के गई है, बहुत कुछ बोल के गई है, और मैंने जो सोचा वो पूरा हुआ। प्रफुल्लित है इसलिए कि जहानाबाद वासियों के लिए यह अपने आप में यूनिक एक कॉन्सेप्ट विजन जो हमने अरुण जी के अंदर देखा था, आज मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल धरती पर वह साकार होता दिख रहा है। जैसा कि अभी आरसी अधीक्षिका महोदया ने बहुत कुछ कह दिखलाया है कि दिस इज वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, लेकिन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के साथ अभी हम लोगों का अपना जो संस्कृति है उस सारे को आत्मसात करते हुए हमें लग रहा है कि बहुत बड़ी कल्पना है, बहुत बड़ी सोच है, और जिसमें यह जहानाबाद के लिए बहुत कुछ देने वाले हैं अभी आने वाले दिनों में। मैं चंद शब्दों में कहना चाहूँगा, जीवन भर की नींव है बचपन वाले वर्ष, इसे संवारा तो हुआ जीवन का उत्कर्ष, और वाकई बचपन को सजाने संवारने का काम इस शख्सियत ने किया है, धन्यवाद के काबिल। As I have written, I am feeling really great. I am really thankful to you that you have invited me for on this auspicious occasion. And it's really a wonderful thing for Jahanabad Vasi and kids here. Like, you know, such a wonderful school is coming up in our district. And, you know, and I hope that more and more kids, they'll get enrolled in future. And it will provide such a, you know, good environment where they can learn etiquettes, good habits, you know, how to carry themselves. So they are the in their initial stage of their life, they learn so many good things. Because, you know, this is, it looks like a sort of European concept. You know, it's a sign of development of our state and of our district. And I wish that more and more such branches, they come up in other parts of the state also, so that more and more kids, they can, you know, benefit from these kind of facilities. And I appeal to the people that they should, you know, give the opportunity to their kids to learn from such good institutions, and I wish all the very best again to all of you. गौर से देखिए इस महिला को।
इसका नाम है रेणु देवी। यह महिला गोरक्षिणी देवी मंदिर से चोरी गई 9 मुकुटों के साथ पकड़ी गई है। 4 फरवरी को देवी मंदिर से मुकुट गायब हो गए थे, जिसका मामला नगर थाने में दर्ज कराया गया था। पुलिस छानबीन में लगी थी कि अचानक सूचना मिली कि सट्टी मोड़ स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान में देवी मंदिर से चोरी गई मुकुट बिक्री के लिए आया है। पुलिस तत्काल पहुंचकर रेणु देवी को गिरफ्तार कर लिया। जब चोरी की घटना के बारे में पूछा गया तो दिलेरी से महिला ने चोरी की घटना को स्वीकारते हुए बोली कि मैंने 4 बजे भोर में सभी मुकुट को बेचने के ख्याल से चोरी की थी। यह महिला निचली मेन रोड की रहने वाली है। पूर्व में भी महिला जेल जा चुकी है। देखा गया है कि पुरुष की अपेक्षा महिलाएं भगवान पर ज्यादा विश्वास करती है, पर यह महिला तो भगवान को ही लूटने चली थी। लूट भी लिया पर जल्द ही उसका परिणाम भी उसे मिल गया। महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अब देखिए क्या कहना है इस महिला का। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप कुछ नहीं बोलेंगे। काहे थाना क्यों आए हैं आप? थाना से हमको घर से लाया गया, इसलिए हम थाना में आए हुए हैं। काहे के लिए लाया गया है? लाया गया है तो सामने में अभी आप अभी तस्वीर लिए ना कि 9 मुकुट चुराई है। हाँ। तो क्या आप नहीं चुराए हैं? हम ही चुराए हैं। 4 बजे सुबह में, रात में नहीं। 4 बजे सुबह में चुराए थे? हाँ। क्यों चुराए थे? क्यों चुराए थे? बेचने के लिए चुराए थे। आप पूजा करने वहाँ पे गए थे? हम पूजा करने नहीं गए थे, 9 मुकुट चुराने गए थे। चुरा के ले आए और पकड़ा गए तो यहाँ दे दिए। माता जी के मुकुट दिनांक 4/5 की रात्रि में चुरा ली थी, जिसको मंदिर समिति के लोग इसको संदिग्ध अवस्था में देखे थे और तभी से इसके पकड़ने के फिराक में लगे हुए थे। दिनांक 16/2/2013 की रात्रि में यह बेचने के लिए सट्टी मोल के निकट पकड़ाई टोला में रखे हुई थी और 9 मुकुट पकड़ी गई है। महिला भी? हाँ, और महिला को भी गिरफ्तार कर लिया। पहले से भी तो रिकॉर्ड है महिला का? बहुत सा रिकॉर्ड है इसके, बहुत सा केस में चार्जशीटें भी पहले भी हुआ, हम ही एक केस में चार्जशीट किए हैं। पहले भी जेल जा चुके हैं? हाँ हाँ, जेल में पहले भी रही। बिहार राज्य रसोईया कर्मचारी संघ गोपगुड़ जिला शाखा जहानाबाद की बैठक कारगिल चौक के पास संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता नवल किशोर कुमार निराला ने की। बैठक में कहा गया कि एमडीएम पदाधिकारी को बार बार लिखित एवं मौखिक अनुरोध किया जा रहा है, लेकिन वे साधन सेवी के गलत जांच एवं आरोप लगाकर रसोईया को हटा रहे हैं। बैठक में आक्रोश जताया गया और हटाए गए रसोईया कृष्ण बल्लभ यादव को पुनः बहाल करने की मांग की गई। साथ ही साथ लोगों ने कहा कि मानदेय भुगतान में मनमानी पर रोक लगाया जाए और फुल डे काम और हाफ डे का दाम नहीं चलेगा। अगर मांगों को नहीं माना गया तो एमडीएम पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना देंगे। बैठक में वासुदेव सिंह, पूनम कुमारी, अंशु, सुरेंद्र पासवान, मोहन महतो, गीता देवी, मनोरमा देवी, समीना खातून, ज्ञानती देवी सहित अनेक लोग उपस्थित थे। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। हम लोग के मानदेय जो है बहुत कम है न्यूनतम मजदूरी से, और वो भी सही समय से प्रभारी प्रधान अध्यापक नहीं देते हैं, देने में आनाकानी करते हैं। इसके चलते हम लोग के जो भी है मानदेय तो बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जाए, ताकि रसोईया भाई बहनों के किसी तरह के कष्ट न हो, सही समय पर मानदेय का भुगतान हो जाए। तो इसके लिए हम लोग किए हैं, और जब तक हम लोग के नियमित नहीं किया जाता है तब तक न्यूनतम मजदूरी 5,000 रुपया लागू किया जाए। जहानाबाद के भाजपा कार्यालय में एक बैठक का आयोजन कर भाजपा के 78 कार्यकारिणी सदस्यों की घोषणा की गई, जिसमें 7 उपाध्यक्ष, 9 महामंत्री, कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी, जहानाबाद नगर से 20 जिला कार्यकारिणी, ग्रामीण से 10 कार्य समिति, मखदुमपुर नगर से 3, काको प्रखंड क्षेत्र से 8, हुलासगंज प्रखंड से 5, मखदुमपुर ग्रामीण से 6, रत्नी प्रखंड से 6, घोसी से जिला कार्य समिति के 4 और मोदनगंज से 4 सदस्यों की घोषणा की गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष शशि रंजन ने बताया कि जहानाबाद में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो, इसलिए कर्मठ लोगों को ही शामिल किया गया है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। आज का जो मुख्य उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को इस जिले में विस्तार देना, और जहानाबाद के भारतीय जनता पार्टी के हम जो हैं से प्रमुख नेताओं एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन मंत्री नागेंद्र जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री मंगल पांडे जी,
प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र गुप्ता जी सहित कई पार्टी के नेताओं के विचार विमर्श के बाद मैंने जहानाबाद जिला के भारतीय जनता पार्टी के टीम का मैंने गठन कर दिया है और आज पार्टी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति का गठन की घोषणा करते हैं।